श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु को एक बार किसी राक्षसी के श्राप के कारण पत्थर क्यों बनना पड़ा। हम शालिग्राम की बात कर रहे हैं। इसकी दो कथाएं हैं। एक कथा मैं ऑलरेडी वीडियो पे डाल चुका हूं जो शंखचूड़ से रिलेटेड है। हम आपको यहां पर दूसरी कथा बता रहे हैं जो एक्चुअल कथा है। पौराणिक काल में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी और जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था और वृंदा जो थी वो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को नहीं जीत पा रहे थे और सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा में उड़ गए और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सर काट कर अलग कर दिया। उनका सर वृंदा के महल में गिरा और जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े ये कौन है? उन्हें पूछा आप कौन है जिसका स्पर्श मैंने किया है? तब भगवान अपने रूप में आ गए पर कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला और जब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा, तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।